और मैंने जब भुट्टो साहब से कहा तो उन्होंने फौरी यकीन कर लिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर पूरे प्रोग्राम के हेड गुलाम इसहाक साहब थे, जो कि 76 से लेकर 93 तक, और उनका जो ख़त था जाहिद मलिक साहब को लिखा था उन्होंने शाहिदुर्रहमान साहब, उसमें उन्होंने पूरी तफसील लिख दी थी कि किस तरह मैंने और मेरे रफ़्क़ाए कार ने दिन रात मेहनत करके एटम बम बनाया था, और किस तरह मुल्क को नाकाबिले तस्खीर दफा मुहैया किया था। तो आप आराम कीजिए, दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, तालीम और सनत के ऊपर ध्यान दीजिए कि ताकि मुल्क जो है तरक्की याफ्ता हो जाए, तालीम के हिसाब से भी और सनत के हिसाब से भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलातु वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।